कौन हो आप लोग? فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. मैं आपसे बैठने का इजाजत चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आओ बैठो. हाफिज जी, अभी अभी आपने एक आयत पढ़ा कि अल्लाह माफ़ करने वाला है. जिस इंसान ने सारे जिंदगी गुनाह किया हो, लूट मार किया हो, चोरी चकोरी किया हो, क्या अगर वो इंसान माफ़ी मांगना चाहे अल्लाह उसे माफ़ कर देगा? मैं कौन होता हूँ आपको तफसील बताने वाला, मैंने तो सिर्फ कुरान की एक आयत पढ़ी है. मेरा रब कहता है तुम आ जाना और सच्ची दिल से तौबा करना, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देने वाला है. बस हाफिज साहब, अब ख़त्म होगी बात तौबा पे. आ गए हाफिज का घर लूट के. बस भाई, अब तुम लोग ना अपने लिए कोई और सरदार ढूंढ लो, मैंने ये काम से तौबा करने का फैसला कर लिया है. सरदार अब इस तरह तो ना करना. सरदार अब हमने कोई और नया सरदार नहीं ढूंढना. सरदार अगर चोरियां भी मिलकर की हैं तो तौबा भी मिलकर करेंगे. चलो फिर तुम्हें हाफिज से मिलवाता हूँ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. مفتی صاحب، ہم چاروں دوست بہت بڑا ڈاکو تھے، اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم توبہ کر لیں. ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے. آپ سے درخواست یہ کرنی تھی، جو ہم نے لوگوں کا مال لوٹا کیا وہ بھی ہمیں معاف ہے؟ نہیں، आपने जिस जिस का माल लूटा उसको वापस करना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हमने आपको लूटा था तो हम चारों ने अल्लाह से तौबा कर ली, इसलिए आप भी हमें माफ़ कर दो. जब आप लोगों ने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लिया है तो मैं कौन होता हूँ आपको ना माफ़ करने वाला? शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जी बोलो. जनाब, हम चारों ने अल्लाह के आगे तौबा की, हमने आपको लूटा था इसलिए आप भी हमें माफ़ कर दो. तौबा तुमने किया, मैंने नहीं. मुझे मेरा माल वापस करो. जनाब अभी मेरे पास फिलहाल तो कुछ भी नहीं है. तुम जैसे भी करो, मुझे मेरा माल वापस करो. सरदार ने तौबा किया है उसका मतलब ये नहीं उसे कोई कुछ भी बोल दे. सरदार का औसाब मजबूत है, तलवार चलाना भी आता है और बंदूक चलाना भी आता है. एक काम करो, तुम मेरे ऊँट को चारा डाल दो, जब तुम्हारे पैसे बराबर हो जाएंगे फिर तुम चले जाना. ठीक है तो भाइयों आप लोग चले जाओ, मैं कुछ दिन इन भाई साहब के ऊँटों को चारा डालूंगा. ठीक है. ए इधर आओ. जी जनाब. वहाँ पर कुछ थैली में कंकर है, वो ले आओ. ये लें जनाब. जनाब आपने तो कहा इसमें कंकर है लेकिन इसमें हीरे और जेवरात हैं. मैं तौरात बड़ी पढ़ता हूँ, मैं आलिम हूँ. मैंने तौरात में पढ़ा था मुसलमान सच्ची दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ठीकरों को भी सोना बना देता है. मैंने इनको खुद ठीकरों से भरा था. मैं तुम्हारी तौबा चेक कर रहा था, तुम्हारी तौबा भी सच्ची है, तुम्हारा दीन भी सच्चा है.
तू एक काम कर, तुझे एक शर्त पे माफ करूंगा, मुझे भी कलमा पढ़ा और मुझे भी मुसलमान बना। मेरे नबी ने फरमाया, जमीन से लेकर आसमान तक भर दो गुनाह, बस एक बार सच्चे दिल से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा।